हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप की या मोबाइल की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, या कुछ चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा, टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। और मेरी एक और चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। और तो अब जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा टॉपिक के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो मैंने जो पहली क्लिप दिखाई आप लोगों को, वो आप सोच रहे होंगे कि किसी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से वो रिकॉर्ड किया गया है। वो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मेरी मीटिंग थी, उसे किसी स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से उसे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर आप वो सोच रहे हैं तो आप बताइए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मेरी मीटिंग थी, ये किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये मैंने VLC मीडिया प्लेयर की मदद से रिकॉर्ड किया है। तो हाँ, हम VLC मीडिया प्लेयर से भी स्क्रीन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है रिकॉर्ड करना। तो आज मैं वही बताना जा रहा हूँ। VLC मीडिया प्लेयर सभी कंप्यूटर्स में नॉर्मली रहता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में बाई चांस वो नहीं है, तो आप उसे अपने वेब ब्राउजर, सपोज गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, जो भी वेब ब्राउजर आपके पास है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी वो है, तो मैं VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है VLC मीडिया प्लेयर, इसे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इस ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम टॉप के लेफ्ट पर मीडिया है, मीडिया लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कन्वर्ट और सेव। तो इस कन्वर्ट और सेव पे आपको क्लिक करना है। कन्वर्ट और सेव पे क्लिक करने के बाद ऐसी एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ऐसे विंडो ओपन होने के बाद यहाँ से आपको जाना पड़ेगा कैप्चर डिवाइस पे। ये देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है एकदम राइट पे, वहाँ पे कैप्चर डिवाइस पे आपको जाना पड़ेगा। कैप्चर डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, कैप्चर मोड जो है वो डायरेक्ट शो पे है। डायरेक्ट शो हमें नहीं करना है, हमें डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो कैप्चर करनी है या वो रिकॉर्ड करनी है। उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप ऑप्शन जो है वो चूज हो जाएगा। और डिजायर फ्रेम रेट फॉर द कैप्चर, तो डिजायर फ्रेम रेट आपके डेस्कटॉप के लिए जो है वो 10 to 15 है। तो मैं यहाँ पे ये 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद मैं यहाँ पे कन्वर्ट और सेव है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, सोर्स स्क्रीन हो जा रही है और टाइप भी स्क्रीन हो जा रही है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है, हमें सिर्फ डेस्टिनेशन फाइल ही चूज करना है, बाकी सब ये डिफॉल्ट है, आपको इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल को हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, आपका जो डिस्क PC है या कंप्यूटर है, वहाँ पे जो फाइल्स फोल्डर्स ये है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको एक लोकेशन जो है वो ब्राउज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसे वीडियोस पे इसे मैं सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे वीडियोस ले आऊँगा और इस फाइल नेम को जो है उसे मैं ये दूँगा VLC रिकॉर्ड डेमो। ये डेमो है तो डेमो में ले लेता हूँ, VLC रिकॉर्ड डेमो। और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँगा। और देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। और स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया, मतलब आपका स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, आपका स्क्रीन एकदम से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। और अगर आप फिर से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हैं, तो बस VLC उसी जगह पे जाइए। उसी जगह पे जाके ये देखिए, यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग
और यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकती हैं, स्क्वायर स्क्वायर शेप्ड का जो बटन है जिसका नाम है स्टॉप प्लेबैक, इस पर अगर आप क्लिक करें ऐसे, ये देखिए ये जो है वो स्टॉप हो गई है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है। तो अब मैं देखूंगा कि कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो जिस किसी को याद है तो मेरी वीडियो जो है वो वीडियो से सेव हुई थी, ये देखिए VLC रिकॉर्ड के सोकल को मैं ये देखिए मेरी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ऐसे VLC मीडिया प्लेयर से आप अपनी स्क्रीन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।